हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9 विषय गणित, अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों एवं त्रिभुज के क्षेत्रफल, प्रश्न 9.2 का सवाल नंबर 3 आज आपको हल कराऊंगा। बच्चों, आप वीडियो को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। बच्चे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, पी व क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं डीसी और एडी पर स्थित बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ एपीबी इक्वल एरिया ऑफ बीक्यूसी, यानी एपीबी त्रिभुज का क्षेत्रफल बीक्यूसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो समझिए, ए बी सी डी हमारा समांतर चतुर्भुज है, राइट। इसमें पी डीसी पर स्थित बिंदु है तो ए पी बी बन गया हमारा त्रिभुज, और क्यू एडी पर कोई बिंदु है, इसको हमने मिला दिया तो बी क्यू सी हमारा ये त्रिभुज बन गया। हमें क्या करना है, ए पी बी त्रिभुज का क्षेत्रफल बी क्यू सी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। देखो बच्चों, कैसे करेंगे, ध्यान देना। त्रिभुज एपीबी, त्रिभुज एपीबी व समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक ही आधार, कौन सा आधार, एबी, व एक ही समांतर रेखाओं, समांतर रेखाओं, कौन कौन सी समांतर रेखाएं, ए बी समांतर डीसी के मध्य स्थित है, राइट। देखो बच्चों, एपीबी त्रिभुज का आधार ए बी, एबीसीडी समांतर चतुर्भुज का आधार ए बी, तो ए के आधार ए बी हो गया, और दोनों कौन सी समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, ए बी और सीडी समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो आपको मेरे नियम सिखा रखा है कि जब एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बनता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसलिए एरिया ऑफ एपीबी बराबर 1/2 एरिया ऑफ एबीसीडी, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, राइट। बच्चों, इसी प्रकार देखो, त्रिभुज बी क्यू सी का आधार कौन सा है, बीसी, और ए बी सी डी का आधार कौन सा है, बीसी। इस बार बीसी आधार हो जाएगा, पहले ए बी आधार था, अब आधार बीसी हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज बी क्यू सी व समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक ही आधार बीसी व समांतर व एक ही समांतर रेखाओं बीसी समांतर एडी के मध्य स्थित है, ठीक है बच्चों। इसलिए क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज बीक्यूसी का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ बीक्यूसी बराबर किसके होगा, इस एबीसीडी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, 1/2 एरिया ऑफ एबीसीडी होगा। और ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हमारे पास में। तो बच्चों, समीकरण नंबर 1 में एबीसीडी का आधा क्या है, एपीबी के बराबर क्षेत्रफल के, और समीकरण 2 में एबीसीडी के क्षेत्रफल का आधा किसके बराबर है, बीक्यूसी के क्षेत्रफल के बराबर। तो समीकरण 1 में 2 से समीकरण 1 व 2 से देखो, ये भाग बराबर है दोनों, आधा एबीसीडी और आधा एबीसीडी है, तो ये भाग बराबर, तो ये भाग बराबर हो जाएगा। 1 व 2 से एरिया ऑफ एपीबी
बराबर एरिया ऑफ बी क्यू सी, और यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। तो आपको मैं ऐसा कर सकता हूं, ये बड़ा ही अच्छी तरीके समझ में आया होगा, क्योंकि आपको बता रखा है कि जब एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहां पर ये एपी भी आधा हो गया एबीसीडी का, और यहां पर ये बीक्यूसी आधा हो गया एबीसीडी का। तो ये दोनों भाग बराबर है, इसलिए एपीबी और बीक्यूसी का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों बराबर हो गए। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको सवाल नंबर चार सिखाऊंगा। आयो अब देखिए बच्चों सवाल नंबर चार, इसमें लिखा है भाई एक आकृति बनी हुई है, ये पी क्या है, एबीसीडी समांतर चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है। हमें सिद्ध करना है एपीडी का क्षेत्रफल और बीसीडी का क्षेत्रफल दोनों का योग। देखो बच्चों एपीडी का एपीबी का है एपीबी ये रहा ऊपर वाला, और पीसीडी का है पीसीडी नीचे वाला, इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग किसके बराबर होगा, इस एबीसीडी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो पहले अपन को प्रूव करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रचना करेंगे बच्चों। देखो हम क्या करेंगे, यहां से एक समांतर रेखा खींचेंगे, ठीक है, इसका नाम देंगे ए बी सी डी ई एफ। तो क्या लिखेंगे हम, पी से ई पी एफ समांतर ए बी समांतर सी डी रेखा खींची। ये बात के समझ रहे बच्चों, हमने क्या किया, यहां से पी से होकर ये ईपीए और डी से के समांतर रेखा खींची। अब देखो बच्चों हमारे पास तो ध्यान देना एक त्रिभुज एपीबी हो गया, इसलिए त्रिभुज एपीबी ये एपीबी त्रिभुज हो गया, और ये एबी एपी समांतर चतुर्भुज, तो एपीबी त्रिभुज व समांतर चतुर्भुज ए बी ए पी एक ही आधार, कौन सा आधार पर, एबी पर, वह एक ही समांतर रेखाओं, कौन कौन सी, एबी समांतर ई ए, ये एबी समांतर ई ए है के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एपीबी बराबर किसका होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, यानी इसका क्षेत्रफल इसका आधा हो जाएगा, बराबर एक बटा दो एरिया ऑफ ए बी ए पी। ये हमारा समीकरण नंबर एक बन गया बच्चों। इसी प्रकार देखो ये पीसीडी त्रिभुज है और ये ई एफ सी डी भी हमारा समांतर चतुर्भुज है, तो लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज पीसीडी व समांतर चतुर्भुज ई एफ सी डी एक ही आधार, कौन सा आधार पर है, सीडी पर, तथा एक ही समांतर रेखाओ, कौन कौन सी, ई एफ समांतर डीसी, ई एफ समांतर डीसी के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पीसीडी बराबर होगा एक बटा दो एरिया ऑफ ईएफसीडी, ईएफसीडी। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, दो। अब क्या सिद्ध करना था, एक में अपन को देखो एपीबी और पीसीडी के क्षेत्र को जोड़ना है, तो एपीबी कहां गया, नंबर एक में, ये एपीबी नंबर एक में, और पीसीडी कहां गया, नंबर दो में, तो हम समीकरण एक और दो को जोड़ देंगे,
समीकरण एक प्लस दो से इधर वाला इधर जुड़ जाएगा, उधर वाला उधर, इधर क्या एपीबी और ये पीसीडी त्रिभुज है, तो एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीडी बराबर इधर ही दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। एक बटा दो कॉमन आ जाएगा दोनों में, एक बटा दो कॉमन, एक बटा दो एरिया ऑफ ए बी ए पी प्लस ई ए सी डी, ई ए सी डी, देखो ये ए बी ए पी और ये ई ए सी डी दोनों जुड़ गए। अब हम ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी, ये तो हमको लाना था, ये दोनों तो हमको लाना था, तो लिख दीजिए एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीडी, ये तो वैसा का वैसा गया। इधर देखो बच्चों एक बटा दो एरिया वैसा का वैसा गया। अब ए बी ए पी, ये ए बी ए पी है यहां से लेके यहां तक, ई एफ सी डी नीचे वाला, इस ऊपर वाले समांतर चतुर्भुज में नीचे वाला जोड़ देंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, एबीसीडी बन जाएगा, दोनों को जोड़ते क्या बन जाएगा, एबीसीडी। तो देखो एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीडी किसके बराबर आया, एक बटा दो एरिया ऑफ एबीसीडी, और यही तो हमको सिद्ध करना था बच्चों नंबर एक में। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आया बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका मैं आपको दूसरा सवाल बताऊंगा, चौथे का दूसरा, अब देखिए बच्चों हमको लाना दूसरे में एपीडी और पीबीसी त्रिभुज, एपीडी और पीबीसी ये। अब हम क्या करेंगे, यहां से रचना कर देंगे इधर से, ये रचना कर देंगे अपन, ठीक है। ये बिंदु कौन सा था मेरे पास में, यहां पे पी था, तो एबीसीडी ये था, यहां कर देंगे जी और यहां कर देंगे एच, ये लो ऐसे, ठीक है। तो देखो यहां पर कौन सा बन गया, ए पी डी त्रिभुज, इधर कौन सा बन गया, ध्यान देना, इधर बन गया पी बी सी त्रिभुज। तो पहले लेंगे अपन कौन सा लेंगे, पी डी, तो लिखेंगे रचना पी से जी पी एच, जी पी एच समांतर, ये समांतर किसके खींचिए अपन, एडी, एडी के समांतर है ये, और किसके समांतर, बी सी, बी सी रेखा खींची, इसलिए ध्यान देना एक त्रिभुज बन गया हमारे पास कौन से कर, एपीडी त्रिभुज, एपीडी वाय समांतर चतुर्भुज कौन सा बन गया इधर, ए जी एच डी या ए डी एच जी बोल दो, ए डी एच जी, ये त्रिभुज ये समांतर चतुर्भुज कहां बना, एक ही आधार, कौन सा आधार, एडी, वह एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन सी, एडी और जीएच, एडी समांतर जीएच के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है, इसलिए त्रिभुज एपीडी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एपीडी किसके बराबर होगा, इस एडीएचजी के क्षेत्रफल का आधा, एक बटा दो एरिया ऑफ ए डी एच जी, ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया बच्चों, तीन, क्योंकि हमारे पास दो तो पहले प्राप्त होगी, तीन प्राप्त होगी थी, और ये हमारे पास समीकरण नंबर हो गया चार। इसी प्रकार देखो बच्चों ये पीबीसी त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज पीबीसी व समांतर चतुर्भुज कौन सा, बी सी एच जी, बी सी एच जी एक ही आधार, कौन सा आधार इस पर, बी सी, वह एक ही
समांतर रेखाओं, कौन सी? बीसी समांतर जीएच, बीसी समांतर जीएच, ये बीसी समांतर जीएच के मध्य स्थित है। देखो बच्चों, ये पीबीसी त्रिभुज और ये समांतर त्रिभुज बीसीजीएच, यहां से देखिए एक ही अगर बीसी और एक ही समांतर रेखा बीसी और जीएच के मध्य स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पीबीसी बराबर होगा एक बटा दो एरिया ऑफ बीसीएचजी। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? पांच। अब क्या करना है, हमको क्या सिद्ध करना है? एपीडी और पीबीसी का जोड़ एपीबी और पीसीडी के बराबर आना है। तो एपीडी देखो हमारे पास कहां है, ये रहा, और पीबीसी ये रहा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात समीकरण चार और पांच को जोड़ेंगे। समीकरण चार प्लस पांच से इधर और इधर जुड़ जाएगा, एरिया ऑफ एपीडी प्लस एरिया ऑफ पीबीसी, इधर और इधर जोड़ दिया अपने, इधर और इधर जुड़ जाएगा ये और ये, ध्यान देना, एक बटा दो एरिया ऑफ ए बी एच जी प्लस बी सी एच जी। तो ध्यान दो बच्चों, इसलिए एरिया ऑफ एपीडी प्लस एरिया ऑफ पीबीसी तो आएंगे, वैसा का वैसा हमको लाना था, ये दोनों आ गए बराबर एक बटा दो एरिया ऑफ, अब दो एडीएचजी, ये एडीएचजी यहां से लेके ये समांतर चतुर्भुज, और बीसीएचजी यहां से लेके ये, तो देखो ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों जोड़ेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा? एबीसीडी, एबीसीडी बन जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर क्या हो गया हमारे पास में? ये छह हो गया, राइट। अब देखो बच्चों, हमको ये नंबर एक प्राप्त किया था, क्योंकि एक में क्या प्रमाणित किया अपन ने, एक में प्रमाणित किया क्या किया अपन ने, अरे ये हमने प्रमाणित कर दिया, एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीडी बराबर एक बटा दो एरिया ऑफ एबीसीडी, इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इस एक प्रमाणित से और समीकरण छह से, तो क्वेश्चन एक से, क्वेश्चन एक व समीकरण छह से, देखो यहां ये एक बड़ा दो एबीसीडी का मान इन दोनों के बराबर है, और यहां एक बड़ा ये दोनों बराबर है, तो ये मान और ये मान बराबर हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन एक व समीकरण छह से, यानी क्वेश्चन एक से ये निश्चित कर दिया और समीकरण छह में हमने ये प्राप्त कर लिया, तो ये दोनों का जोड़ ध्यान देना, एरिया ऑफ एपीडी प्लस एरिया ऑफ पीबीसी, ये तो समीकरण छह में आ गया, और क्वेश्चन एक में क्या था, एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीडी, यही तो हमको सिद्ध करना था। ये देखो एपीडी पीबीसी और एपीबी पीसीडी, और यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चार, इस चार का हमने आपको क्वेश्चन नंबर पहला भी सिखा दिया और दूसरा भी आपको सिखा दिया, तो बच्चों ध्यान देना, इस प्रश्न के दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर तीन तो बड़ा सरल था और क्वेश्चन नंबर चार में हमने आपको दोनों सिखा दिए, एक बार सिद्ध करना था एपीबी और पीसीडी, जो मेरा एपीबी और पीसीडी ये त्रिभुज ऊपर वालों के लिए हमने ये रचना की थी, ये दूसरी बार में एपीडी और पीबीसी, एपीडी और पीबीसी ये साइड वाले त्रिभुज के लिए हमने ये रचना की थी जीएस, तो एक बार हमने ये रचना की तो ये हिस्सा काम में लेंगे, एक बार हमने ये रचना की
तो ये हिस्सा ये हिस्सा काम बनेंगे। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन नंबर दो चौथे का सिद्ध कर दिया। और मैं आशा कर सकता हूं बच्चों कि आज बताए गए दोनों सवाल आपको बड़े ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप इन सवालों को बच्चों अपनी नोटबुक में उतारना और नोटबुक उतारने के बाद इन सवालों की आप प्रैक्टिस करना, इनको लर्न करना और वीडियो को हमेशा देखा करें, पूरा देखा करें। आप अपने दोस्तों से भी कॉन्टेक्ट कीजिए, कोई दोस्त आपका यदि वीडियो नहीं देख पा रहा है तो उनको इन वीडियोस को देखने के लिए आप मोटिवेट कीजिए, जिससे वो भी वीडियो देखें और पढ़ाई सुचारू रूप से अपनी जारी रखें। बच्चों बाकी के सवाल मैं कल के वीडियो में सिखाऊंगा आपको, और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।